आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। बच्चों हाँ, पैराबोला में कहाँ तक कर लिया था? आपने वीडियो लेक्चर देखने को बोला था? हाँ सर, एक रिकॉर्डिंग उसमें ना वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए सब वो डायमीटर का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन सब सब टेंजेंट है। यस सर, टेंजेंट सब टेंजेंट। ठीक है सर, उसमें लास्ट चीज स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ पी एंड क्यू था, जॉइनिंग पी एंड क्यू। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह डिराइव कर लिया है। अच्छा, कुछ एक्सेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ाया? यस सर, यस सर। ये वाला क्वेश्चन किया था क्या? नो सर, नो सर। ओके, करो।
हाँ बच्चों हुआ yes. तो दूसरा वाला इलिप्स है क्या सर? एक्सपांड करके डेल्टा इक्वल टू एक्सपांड करके डेल्टा वगैरह करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, बहुत लेंथी है। इसमें शायद ई का फंडा लगाना, ये दोनों इक्वेशन डिस्टेंस के फॉर्म में आ रहा है। बच्चों जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है ना, लिख लो पॉइंट सर्कल इज इक्वल टू लाइन का स्क्वायर, ये वाला जो इक्वेशन होता है ना इसको नोट कर लो। देखो जरा क्या ये पॉइंट सर्कल इक्वल टू लाइन स्क्वायर है, ये पॉइंट सर्कल है क्या जरा चेक कर लो। yes. है ना? yes, दिख रहा है? तो पॉइंट सर्कल इक्वल टू लाइन स्क्वायर, इसको बताऊं बच्चों कैसे करते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, पहले ये बताओ बच्चों, डेफिनेशन के हिसाब से ये डायरेक्ट्रिक्स है, अगर ये फोकस है, ये पॉइंट पी है, तो पी एफ और पीएम वाला जो रेशियो होता था उसी को ई बोलते थे, राइट? यस सर, यस सर। तो पीएफ और पीएम का रेशियो ई रहेगा, और आपको मैंने बताया था ई के हिसाब से शेप डिपेंड करता है, राइट? यस। क्या बताया था मैंने? ये रेशियो इज ई, और ये ई अगर वन होता है पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। ई बिटवीन जीरो एंड वन होता है तो इलिप्स, और ई ग्रेटर देन वन होता है तो हाइपरबोला। याद आया? हाँ सर। ये चीज पढ़ाई थी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यही चीज लगाएंगे हम लोग, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो हम लोग ना, सबने पेज कॉपी किया अच्छे से? एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। हाँ सर, आप पलट सकते हो। अभी देखो जैसे ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, एक पॉइंट सर्कल ले लेते हैं, ये पॉइंट सर्कल है, और कोई लाइन ले लेते हैं, लेट्स से कैन यू सी दिस? यस मैम। अब देखो सबसे पहला स्टेप, यहां पर ना सर्कल का कोफिशिएंट वन बनाते हैं, तो इस 12 को उधर लेके जाते हैं, कैन यू सी दिस क्लास? दिखा x plus y plus 7 रहेगा ना, plus 7। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ दिखा यहाँ तक सबको। अब एक चीज देखो, ये वाली साइड को कन्वर्ट करो डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? x plus 1 का होल स्क्वायर व्हिच इज x माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा ही है ना? यस सर, यस सर। अब क्या करो, दोनों साइड ले लो स्क्वायर रूट। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओगे, सी व्हाट विल हैपन, ये तो बन जाएगा जाना पहचाना डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, यस सर। ये 1/√12 इधर आएगा, और तो देखो इस स्क्वायर के ऊपर जब रूट लगेगा तो मॉड बाहर आएगा, आया ना? यस सर। अच्छा इधर देखो, ये x plus y plus 7 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ √2 से,
रूट टू से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा. रूट टू से इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो रूट टू से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कैन यू सी दिस? यस और नो? यस सर. नाउ लेट अस इंटरप्रेट दिस इक्वेशन. हाउ डज दिस लुक? दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. तो एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस निकाल रहे हैं. तो एल एच एस इज डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम माइनस वन कॉमा जीरो. दैट इज एल एच एस. हाँ या ना? यस सर. एंड दिस इज रूट टू बाय रूट ट्वेल्व टाइम्स रूट ट्वेल्व टाइम्स डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम एक्स प्लस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. आया ना? यस यस सर. कैन यू सी दिस इज पी एफ इक्वल टू रूट टू बाय रूट ट्वेल्व टाइम्स PM. हाँ या ना? Yes or no? Distance from a line. अब मुझे जल्दी बताओ ये जो पॉइंट है यही क्या बन जाएगा? फोकस. डायरेक्ट्रिक्स बताओ को क्या बनेगी? प्लस वाई प्लस सेवन. एक्स प्लस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. डायरेक्ट्रिक्स भी बन गई, फोकस भी बन गया. ई कितना आ रहा है? ई less than 1 root 2 by root 12 which is less than 1. So it is ellipse. Do you see this question kis tarah solve kiya? Yes sir. सर मेरे को फोर्थ स्टेप से थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपने एग्जैक्टली क्या किया. आपने लाइक वो रूट टू को क्यों लाया इक्वेशन में? एक्स प्लस वाई प्लस सेवन है ना, नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है ना. सॉरी सर. एक्स प्लस वाई प्लस सेवन है ना, नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन बनाने के लिए. ओ हाँ सर. ओके सर. थैंक यू सर. हां जी. हां अब डाउट कि थर्ड स्टेप में जो एलएचएस है वो जीरो क्यों नहीं हो जाएगा? क्या थर्ड स्टेप में जो एलएचएस है वो जीरो क्यों नहीं हो जाएगा? वो तो पॉइंट सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म है ना. वो डिस्टेंस फार्मूला है, वो पॉइंट सर्कल जैसा दिख रहा है. वो तो इक्वल टू जीरो रखोगे तो पॉइंट सर्कल होगा ना. इक्वल टू जीरो थोड़ी रख रहे हैं, इक्वल टू लाइन स्क्वायर रख रहे हैं. अच्छा हां यस सर. वो तो एक्सप्रेशन पॉइंट सर्कल जैसा है, ये कह रहा हूँ. इट इज एक्चुअली पॉइंट सर्कल का इक्वेशन थोड़ी, वो तो एक्सप्रेशन की शक्ल पॉइंट सर्कल जैसी है, ये कह रहा हूँ. यस सर, गॉट इट. एक्सप्रेशन से कभी भी शेप थोड़ी डिटरमाइन होती है. एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होगा उससे पता चलेगी, राइट? यस सर. चलो जल्दी खत्म करो तीनों क्वेश्चन. सर आपने माइनस वन कॉमा जीरो को फोकस और एक्स प्लस वाई प्लस सेवन को डायरेक्ट्रिक्स से कंप्यूट किया. डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कौन सी लाइन से निकल रहा है? x plus y plus 7 equal to 0. Yes sir. तो वही लाइन डायरेक्ट्रिक्स हुई ना जहां से डिस्टेंस निकाला जा रहा है. Yes, ये डेफिनेशन देखना बेटा, ये वाली डेफिनेशन.
आप एक मिनट इससे पहले वाला पेज दिखा देंगे। थैंक यू सर। हो गए बच्चों ये तीनों? यस सर। सो वन सेक, कैन यू टेक द प्रीवियस पेज? answer all. Are we done? All three questions? Yes, sir. Yes, sir. Wait, sir, 1 minute. पहले वाले का क्या आ रहा है? Circle. Okay, so 1,0. दूसरे वाले का क्या शेप आ रहा है? एलिप्स। एलिप्स। और इसका एलिप्स फोकस 0,2 फोकस आया 0,2 एंड डायरेक्टर्स वो लाइन है 4x + 3y + 1 = 0 यहां तक कोई बच्चा परेशान? चले आगे। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या होगा शायद से। कोई बच्चा थर्ड का सॉल्यूशन भेजो ग्रुप पे। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये बोल रहा था कि 10 नीचे लेके आने का हम डायरेक्ट 4x + 3y + 1 हम लोग जैसे देख के बोल सकते हैं इसका 5 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर 5 मल्टीप्लाई करके दो स्टेप में ऐसे कर दें। लाइन की इक्वेशन तो यही रहेगी ना, वो तो नीचे √a² + b² के लिए था। हाँ तो डायरेक्ट वो करके कर सकते हैं ना, वो उसको क्यों ट्रांसफॉर्म करना है अपने।
डिस्टेंस फॉर्मूला में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम लोग को। आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब जैसे बेसिकली हम लोग पे 10 नीचे लेके आते हैं वो साइड पे एंड फिर हम लोग लाइन की डिस्टेंस फॉर्मूला की इक्वेशन बनाते हैं, इसके जगह पे हम लोग रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे लगा दें यहाँ पे एंड उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर, जैसे रूट टू बाई रूट ट्वेल्व किया, वैसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में। वैसे ही तो कर रहे हैं सब लोग। अच्छा ओके, और कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। ओके हाँ, जो बच्चा वो तीसरे क्वेश्चन में अटका हुआ था बेटा, गलती मिली? हाँ सर, मेरे को वो एक्चुअली कैलकुलेशन का मिस्टेक था जिसके वजह से मेरा डायरेक्ट्रिक्स गलत हो गया था। डायरेक्ट्रिक्स कैसे गलत हो सकता है? डायरेक्ट्रिक्स में तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, वो तो नीचे बस 5 इधर आएगा। डायरेक्ट्रिक्स का कैलकुलेशन में मतलब मैंने गलत देखा था आंख से। जी अच्छा। हाँ बच्चों, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन करके दिखाना है क्या? कोई सा बताना है जनता, एबीसी में से तीनों में से? No, sir. बता दो कोई बच्चा ऐसा जो तीनों में से अटक रहा हो, मेरे से पूछ लो। I'll do one of these three. जनता raise your hand if you want me to solve one of these three. ठीक, अच्छी बात है, चलिए अब आगे चलते हैं। आंसर लिख दो क्या आएंगे? सर एक मिनट टाइम दो, आंसर ये आएगा।
हो गया था। वन मिनट याद दिला दो बच्चों एट एनी पॉइंट टी ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टेंजेंट ये होता था याद आ रहा है ये टेंजेंट था यस सर नॉर्मल ये होती थी लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था जो वीडियो किया था दिस वॉज टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस वॉज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई होप सबने वो वीडियो देखना है Yes, sir. ये नॉर्मल ये टेंजेंट कोई ऐसा है जिसने वीडियो नहीं देखा है बता दे भाई सर नहीं देखा सर क्यों सर मैंने तो आपको क्या ही समझ में आएगा आज तो कुछ समझ में आएगा नहीं फिर क्योंकि ये तो उसी वीडियो के बाद की बात हो रही है रिजल्ट हमें याद करना है बिल्कुल ओके सर हुआ बच्चों कैसे करेंगे क्वेश्चन ये मांग रहा है
साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है? हां वही होती है। यस यस सर। बेसिकली टेंजेंट के लिए दो टेंजेंट होंगे, टी वन वाला होगा, टी वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर, एंड टी टू वाला ये होगा, टी टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी टू स्क्वायर। इन्हें सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, वाई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आंसर? आ जाएगा। याद रखना है बिल्कुल, इस चैप्टर में थोड़ा सा शुरू में रिजल्ट बहुत सारे आने वाले हैं और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। आपको पता है ना ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो सर्कल्स के जो रिजल्ट थे वो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इसलिए वो लगे नहीं कितने ज्यादा रिजल्ट है। ये चैप्टर जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके तो रिजल्ट आएंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने आज तक नहीं पढ़े, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ही हो रहा है ना चैप्टर, और नॉर्मल में भी सॉल्व करो। सॉल्व करो नॉर्मल को भी, देखो आंसर आया। सर एक डाउट था। बोलो। हाँ सर, हमने आपने सर्कल्स में बोला था कि t इक्वल टू जीरो सब कॉनिक्स के लिए चलता है, बट लाइक समझ नहीं आ रहा वो कैसे इस पे पैराबोला पर भी चलेगा। इसको प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, करना है। यस सर। हाँ सर। पहले जरा ये कर लो, नॉर्मल वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। हो गया? वन मिनट। प्लीज वॉच द लेक्चर जो आप लोगों ने नहीं देखा मेरे को, बल्कि आज का लेक्चर ही आपका कैंसिल कर देना चाहिए था। हाँ हो गया जनता, इज इट डन? अब वो पूछ रहा है कि चले नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं।
जी सर। अच्छा एक चीज देखो, वो ये पूछ रहा है कि why is t equal to zero valid for tangent for all curves? तो देखो उसके लिए एक कर्व इमेजिन करो 2 degree, दिस इज अ 2 degree कर्व और इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और हमें उस पर टेंजेंट ढूंढना है। तो सर्कल में तो हम लोग वो रेडियस वगैरह की स्लोप वगैरह की हेल्प से करके t इक्वल टू जीरो प्रूव कर दिए थे। अब यहाँ रेडियस वगैरह का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, पता ही नहीं कौन सा कर्व है, तो हमें यहाँ पे पता है क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक फंडा लगाना पड़ेगा y1 शुड बी इक्वल टू स्लोप इनटू x-x1। हाँ है ना, यही होगा टेंजेंट, करेक्ट? यस सर। यस। अच्छा अब बाकी सब तो सही है, बस m की वैल्यू मिल जाए। तो m कैसे निकालेंगे? m इज क्योंकि टेंजेंट है dy/dx एट विच पॉइंट? x1 y1। स्लोप ही तो होगी ना उस वक्त जगह, करेक्ट? आया ना? यस सर। तो अब इसका dy, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2ax दिख रहा है ax स्क्वायर का प्लस 2hy, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कैन यू सी? प्लस यस dy/dx, ध्यान रखिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, कैन यू सी दिस? क्या क्या चल रहा है देखो? यस सर। यस सर। इसका डेरिवेटिव ये बनेगा देखो पूरा। अच्छा dy स्क्वायर के लिए 2by dy/dx सही है, प्लस 2g प्लस 2f dy/dx तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0, कैन यू सी दिस? Yes, sir. सर समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया भाई, किसी कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। We have differentiated this equation to find dy/dx. सर पर क्यों? तो और कैसे निकालोगे बेटा dy/dx अगर स्लोप चाहिए आपको? ओ अच्छा सर, ओके। How will you find dy/dx for a term? Tangent. हाँ मतलब वो कैसे निकालोगे dy/dx? Equation को differentiate करके। क्या कर रहे हो? ओके सर, समझ गया। Thank you sir. मैं वैसे ये सब काम करता नहीं आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला था, but there are some idiots who have not seen the lecture that I have sent. So I had to change the track and I had to teach something जिसका relation नहीं था उसकी, otherwise मैं ये सब चीजें करा रहा होता। तो जिन मूर्खों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है, they are feeling very happy about it. Please understand that this is ridiculous and you must have watched that lecture. मैंने आपको बहुत पहले कहा था वो लेक्चर देख के आइए, तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है ना, उनकी वजह से मुझे डेफिनेटली कुछ ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है जिसका उससे कनेक्शन नहीं है। ओके तो dy/dx का वैल्यू कितना निकला, यहां से निकाल लो। dy/dx कितना आएगा जल्दी बताओ बच्चों, ये आ रहा है। हाँ है ना, करेक्ट? दिस इज फॉर एनी 2 नहीं आएगा ना, 2g नहीं आएगा ना? हाँ 2 नहीं आएगा। हाँ सर। हम्म,
तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, बट वी नीड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, तो क्या करूँ वो कितना निकलेगा? एट एक्स वन वाई वन कैसे निकालू? वो तो एक पर्टिकुलर, वो तो जनरल एक्स और वाई के लिए निकला है, एट एक्स वन वाई वन कैसे निकालू? सब्स्टिट्यूट एक्स वन वाई वन डाल दो इक्वेशन इसमें, एक्स वन वाई वन डाल दो, क्योंकि ये तो जनरल एक्स और वाई के लिए आ गया, किसी भी जगह के लिए, हमें किसी भी जगह का नहीं चाहिए, हमें तो उस जगह पे चाहिए जहाँ पे एक्स वन वाई वन है, तो इसलिए एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन डाल देते हैं। हमें कोई हर पॉइंट का डेरिवेटिव थोड़ी चाहिए, हमें तो उसी पॉइंट का डेरिवेटिव चाहिए ना जो एक्स कॉमा एक्स वन वाई वन कर पे है। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब ये कर्व है, इस कर्व में ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन, हम यहाँ पे टेंजेंट ढूंढ रहे हैं, तो हमें स्लोप भी तो इसी पॉइंट का ही चाहिए होगा। अब हर एक्स कॉमा वाई के स्लोप का हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, उससे मीनिंग ही नहीं हमारा, हर एक्स कॉमा वाई का स्लोप अलग अलग जगह होगा। सर आपने डिनोमिनेटर में एक्स वन वाई वन सब्स्टिट्यूट नहीं तो ये x1 y1 हमने इसमें डाल दिया, तो हमें x1 y1 पे dy by dx मिल गया। अब क्या करें? तो ये बच्चों ये होगा स्लोप m, दिस इज गोइंग टू बी स्लोप m, आया ना? यस सर। यस सर। अब क्या करूं स्लोप m को, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट? हाँ सर, करेक्ट है। यस सर। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर ले जाके, y माइनस वाई वन करेक्ट है? यस सर। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है, हाँ या ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब इसे सिंप्लीफाई करो, पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये ऐसा आना चालू हो जाएगा, एक्स एक्स वन एच एक्स वन वाई प्लस एच एक्स वाई वन, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करता जा रहा है, ब्रैकेट ओपन करना है, बी y y1
plus dx plus fy. Is equal to ax1 square plus 2hx1y1 plus by1 square plus gx1 plus fy1. देखो यार मल्टीप्लाई करो, चेक करो. हाँ सर बराबर सही है. यहाँ तक पहुंच के Yes, sir. अच्छा इधर देखो क्या कर सकते हैं x1 y1 कर्व के ऊपर है ना, तो यहां पर मैं जी एक्स वन एड कर देता हूं दोनों जगह. तो जी एक्स वन एड किया ये टू हो गया, या एफ वाई वन एड किया ये टू हो गया, यहां कांस्टेंट एड किया ये सी हो गया. दिख रहा है क्योंकि अब x1 y1 कर्व पे लाई करेगा तो RHS कितनी है? जीरो. जीरो. अच्छा LHS देखो कैसा आ रहा है, पहचानना LHS क्या है. AX x1 plus h into x y1 plus y x1 plus b y y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0. पहचानो क्या आ गया. t equal to 0. तो देखो कर्व की इक्वेशन ये होती थी. ये था कर्व. अब इसमें x square को x x1 बना दिया, y square को y y1 बना दिया, x को x plus x1 by 2, y को y plus y1 by 2, constant को वही छोड़ दिया, और x y को x y1 plus y x1 by 2. दिख रहा है? Yes sir. Yes. The moral of the story है t equal to zero से tangent मिल जाएगा. और आपको याद है पहले tangent की equation थी, फिर chord of contact वगैरह सब दे रहे होने का लिए. तो अगर ये valid है तो सब valid हो जाएंगे t वाले. तो best of the best. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे. थैंक यू सर. सर तो हमने डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं किया फिर? क्या डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं किया? ये प्रूफ पूछा रहा है बच्चों ने कि कैसे आया. अच्छा ओके सर. तो ये पॉइंट इज इक्वल टू लाइन स्क्वायर का प्रूफ है ना?
हेलो सर, आई हैड अ डाउट इन द प्रीवियस पेज व्हेन यू मतलब आपने वो टेंजेंट की इक्वेशंस बनाई थी उसमें इसके पीछे वाले पेज में सर, उसमें हमें ऑब्वियसली अज्यूम करना था कि t1 नॉट इक्वल टू t2 सच दैट वी कुड कट t1 माइनस t2 फ्रॉम आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यार टेंजेंट के दो अलग है, टेंजेंट का इंटरसेक्शन दूसरा, तो t1 इक्वल टू t2 क्यों होगा? नहीं नहीं, t1 इक्वल टू t2 हुआ तो 80 स्क्वायर अप कॉमा 280 आ जाएगा ना द पॉइंट इटसेल्फ। बट वो सवाल निकाल रहे हो। हां हां, क्लियरली बोला है कि दो पॉइंट पे टेंजेंट है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तुम सेम पॉइंट क्यों मानोगे उसको? t1 इक्वल टू t2 क्यों ले लोगे? नहीं नहीं, क्योंकि अगर हमने ले भी लिया तो हमें क्यों ले लिया? दैट इज माय क्वेश्चन, क्यों ले लिया? व्हेन द क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर आर टू पॉइंट्स t1 एंड t2, if they were same the question becomes meaningless. The same point pe tangent hai, dono ka point of intersection nikalo, question mein puchna kya cha raha hai? Fir to jahan ban rahe hai tangent wahi nahi hoga point of intersection. Exactly, fir usme wahi 80 square comma 280 kyun rahega? To par wo 80 square comma 280 rahega nahi, jab tangent to sab jagah intersect karega wo. Acha, ha, okay, got it, clear, thank you so much sir. So this was wandering of mind towards absurdity. अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है दो पॉइंट पे टेंजेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखो आप क्या कर रहे हो। आप क्वेश्चन के ना लिमिटिंग केसेस, अगर t1 इक्वल टू t2 हो गया तो, ये हो गया तो, भाई ऐसा सोचना क्यों है? हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर क्वेश्चन ने दो पॉइंट बोले तो दो पॉइंट होंगे, वी हैव टू सॉल्व इट लाइक दैट। इनफैक्ट दो पॉइंट अगर ये हो रहे हैं तो फिर ये आंसर नहीं होगा, ये अगर ये सेम पॉइंट हो जा रहे हैं तो। चलिए, इज दैट ओके? यस सर, क्लियर, थैंक यू सो मच। चलो जी, ये प्रूव कर दिया मैंने t इक्वल टू जीरो जो लोग पूछ रहे थे सर वो टेंजेंट क्यों होगा। कॉपी कर लो भाई जिसको करना है। सर आ रहे थे जीरो के सो के सर, वो नहीं सुन बेटा, वो पॉइंट x1 y1 क्या है ना, कर्व पे होगा। ये देखिए, ठीक है, ये तो x1 y1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, राइट? यस सर, ओके, थैंक यू सर, डन सर। हाँ बोलिए सर, एक बार नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए प्लीज सर। ये लो, इसे वैसे इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो बच्चों ने पूछा प्रूफ, इसलिए मैंने करा दिया। वैसे मतलब कोई जरूरत नहीं थी इस प्रूफ, ये तो मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे वही वीडियो नहीं देख के आए तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा पैराबोला। तो वीडियो में प्रूफ नहीं था सर, वो जनरली पूछा है सर। तो मुझे कुछ कुछ ऐसा कराना पड़ रहा है जिसका उससे कनेक्शन नहीं है, तो उन्होंने ये पूछा तो मैंने ये करा दिया। हाँ बैठो, कॉपी कर लिया? ये तो मैंने प्रूफ करा दिया, लिख लो उसको, प्रूफ ऑफ, ये क्या है बच्चों, प्रूफ ऑफ t इक्वल टू जीरो एट x1 y1 फॉर एनी क्या, टू डिग्री कर्व, सही है। तो आज से आप मान गए t इक्वल टू जीरो वैलिड है, या तो t इक्वल टू जीरो की वजह से ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह डिराइव हुए थे, फिर वहीं से पोल पोलर की गाड़ी चली थी, सब कुछ यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। वैसे प्रूफ सबका सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन? यस सर।
ये करो करो हाँ बच्चों फोकल कॉर्ड का मीनिंग पता है उन बच्चों को नहीं पता होगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखा क्या होता है फोकल कॉर्ड कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस अरे नहीं पैरेलल डायरेक्टर्स नहीं बाबा बस फोकस से पास करेगा उसको फोकल कॉर्ड पर ओके सर देखा नहीं वीडियो तूने देखा नहीं सब आपने क्लास में बताया था लास्ट क्लास में ये भी रिजल्ट याद रखना पड़ेगा रिजल्ट तो याद रखना ही पड़ेंगे लास्ट में बनाएंगे लिस्ट बैठ के डोंट वरी पहले बना दो लिस्ट प्रूफ कर लो ओके सर अभी इतनी जल्दी क्या घबरा रहे हो अभी तो बहुत रिजल्ट है तो शुरुआत भी नहीं इस चैप्टर में है रिजल्ट पर इजी रिजल्ट है याद हो जाते हैं ट्रिगो जैसे नहीं कंफर्म कर रहा था डन सर डन यस पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे यहां से पास करेगी 81 स्क्वायर कॉमा 282 से 281 से सही है बच्चों यही है ना कॉर्ड हाँ सर आया ना yes, यही है कि नहीं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड यस सर सही है बच्चों देखो इक्वेशन y minus y1 upon x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 now this must pass through a comma 0 a comma 0 correct ए कॉमा जीरो डाल दो बाय डी वन प्लस
ये सिंपलीफाई करके 2 बाय t1 प्लस t2 आ जाता है, इधर से भी a कट जाएगा। टू कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर करेक्ट? हाँ बेटा बोल। सर हम स्लोप्स का मेथड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, वो भी कर सकते हो, उससे भी इस्तेमाल कर। ओके सर, थैंक यू। तो मैंने कोएफिशिएंट्स कंपेयर किया। वो कैसे? लाइक फोकल कॉर्ड का इक्वेशन आपने सिखाया था और वीडियो लेक्चर में, और ये भी अगर एक फोकल कॉर्ड है तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। मैंने फोकल कॉर्ड का स्लोप सिखाया था, इक्वेशन कब से सिखाया? इक्वेशन निकलवाता है, इक्वेशन निकाल ली थी। आप कर तो सकते हैं, जो तुम कह रहे हो ना वो बात भी सही है। ठीक है अरे वा... वॉइस क्रैक हो रहा है तेरा। सो मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यूज किया। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यूज किया? यस सर। कॉर्ड का इक्वेशन निकाला एंड देन a कॉमा 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकाला आपने? और अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ना, P1 एंड Q2 का। वेरी गुड, दैट्स आल्सो अ राइट मेथड, वेरी नाइस मेथड। सर वो लड़की क्या कह रही थी? एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बताते हैं, सबने कॉपी किया? यस सर। एक मिनट सर। किसी का चलो एक ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। ऑल्टरनेट मेथड हमारे पास काफी सारे हैं, चलो दो देखते हैं, दो ऑल्टरनेट मेथड। पेज पलट सकते हैं? Yes, चलो जी पहला ऑल्टरनेट मेथड देखो। वो लड़की क्या कह रही है कि आपके पास ये पैराबोला था जिसका इक्वेशन आपको पता था और अभी आपने ये सिखाया कि पॉइंट T1 और T2 से जो टेंजेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाला है और याद किया है। क्या याद किया है? a t1 t2 कॉमा a इनटू t1 प्लस t2, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड। तो आप इस कॉर्ड का इक्वेशन, आप यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया एक तरह से, इस पॉइंट का किसका, आर का, हो गया ना? यस सर। तो हम उसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, वाई, अगर ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है और ये कर्व है वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स है, तो ऐसी इक्वेशन होगी ना, वाई वाई वन माइनस फोर ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसी होगी कि नहीं होगी? यस सर।
यस सर t इक्वल टू 0 लगेगी ना भाई इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 से ही आएगी ना यस सर यस सर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आया ना जनता यस सर तो y1 का काम कौन करेगा ये a into t1 plus t2 minus 4a into x plus x x plus a t1 t2 by 2 is equal to 0 a कट गया two कट गया तो उसने स्लोप पहले मेथड अपनाया तो अपने को जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई y into t1 plus t2 is equal to twice of x plus a t1 t2 करेक्ट है बच्चों कैन यू सी दिस इक्वेशन सही है ना sir. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस इक्वेशन पे कौन लाइक कर रहा है फोकस तो फोकस ए कॉमा जीरो इसमें डाल दिया उसने तो जीरो तो टी वन टी टू कितना आ गया माइनस वन दिख गया डन है यस एक और तरीके से भी कर सकते थे इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे ये पैराबोला है और ये कॉर्ड है ये देखो ये वाला मेथड देख लो ये भी अच्छा है इस कॉर्ड को ये कॉर्ड मान लो फोकल कॉर्ड है a कॉमा जीरो से पास कर रहा है तो हम कॉर्ड की इक्वेशन ही लिख सकते हैं इस बार स्टार्ट a कॉमा जीरो से कर रहे हैं तो लेट द कॉर्ड बी y is equal to m times x minus a यही होगा कॉर्ड करेक्ट इसका स्लोप अगर m मान लें डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन कॉर्ड का इक्वेशन लिखा है मैंने कैन यू सी दिस फाइन यस हां सर अच्छा इस कॉर्ड पे at1 स्क्वायर कॉमा सॉरी at स्क्वायर कॉमा 280 पैराबोला का एक पॉइंट लाई करेगा आया ना Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कॉर्ड पैराबोला को टक्कर मारेगी तो हमने 80 स्क्वायर कॉमा 280 वाले किसी पॉइंट से पास करेगी करेक्ट हाँ सर यस और नो यस सर जिस भी पॉइंट को कट करेगी वो पॉइंट को होगा ही कुछ किसी पर्टिकुलर टी के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 यस और नो यस सर 80 स्क्वायर कॉमा 280 डाल दो
करेक्ट यस ये कैंसिल हो गया तो वो जो क्वाड्रेटिक आई अब देखो टी में क्वाड्रेटिक आ गई ये क्वाड्रेटिक क्यों आई क्योंकि वो कहना चाह रहा है कितने टी होंगे दो टी होंगे इधर होगा और एक इधर होगा तो देयर विल बी टू टी एक ऊपर वाले का काम करेगा कि नीचे वाले का टी वन और टी टू अपने को क्या मांगता है प्रोडक्ट टी वन टी हो गया सब बच्चे लेक्चर का वीडियो देख के आओ पुराना फिर इसको दोबारा देखिएगा चलो जी छुट्टी बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर